हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लाई हूँ अनदर जॉब अपडेट जो कि आती है टाटा मोटर्स की ओर से। यहाँ पर वर्क फ्रॉम होम प्लस वर्क फ्रॉम ऑफिस काफ़ी सारे अलग अलग प्रोफाइल्स पे वैकेंसीज अवेलेबल है। ऑल ओवर इंडिया कैंडिडेट्स यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, मेल फीमेल दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो यहाँ पर 5000 प्लस वैकेंसीज अवेलेबल है अलग अलग प्रोफाइल्स के लिए। इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि आप कौन कौन से प्रोफाइल्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो अगर आप टाटा मोटर्स में वर्क करना चाहते हैं, परमानेंट वर्क करना चाहते हैं, तो मेक श्योर करें वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखना। एंड अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल होती है, ऐसी और डेली जॉब अपडेट्स देखना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर से रख लें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो आज की जो हमारी वैकेंसीज आई हुई है वो है टाटा मोटर्स की ओर से। सबसे पहले यहाँ पर क्या क्या प्रोफाइल्स अवेलेबल है वो मैं आपको बता देती हूँ। तो प्रोफाइल्स में देखिए, यहाँ पर कस्टमर सपोर्ट एग्जीक्यूटिव का आप वर्क कर सकते हो, सेल्स डिपार्टमेंट में वर्क कर सकते हो, एसोसिएट वर्क कर सकते हो, टेली एसोसिएट एज अ वर्क कर सकते हो, प्लांट सुपरवाइजर का वर्क कर सकते हो, मैनेजर यहाँ पर अवेलेबल है, ग्रेजुएट ट्रेनिंग इंजीनियर की प्रोफाइल यहाँ पर अवेलेबल है, सिक्योरिटी बॉयज के लिए यहाँ पर वैकेंसीज अवेलेबल है। तो इस तरीके से काफ़ी सारे वैकेंसीज यहाँ पर अलग अलग प्रोफाइल्स पे अवेलेबल है, आप वर्क कर सकते हैं। नाउ ये सारे प्रोफाइल की बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ। तो बेसिकली मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। आप कोई भी इंडियन स्टेट या सिटी से रहते हैं, आप यहाँ पर वर्क कर सकते हैं। फ्रेशर्स एक्सपीरियंस दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पर मिनिमम क्वालिफिकेशन 12th पास चाहिए होगा। अगर आपने 12th पास किया है, ग्रेजुएटेड हो, अंडर ग्रेजुएटेड हो, आप यहाँ पर वर्क कर सकते हैं। यहाँ पर कोई भी तरीके का आपका एग्जाम नहीं होने वाला है, डायरेक्ट इंटरव्यू होगा आपका। अगर आप वर्क फ्रॉम होम चूज करते हो तो ऑनलाइन इंटरव्यू होगा, अगर आप वर्क फ्रॉम ऑफिस चूज करते हो तो आपको जाके वहाँ पर इंटरव्यू देना होगा। यहाँ पर एज जो कि है मिनिमम 18 प्लस ही होगी, तो इसके अंडर अगर आपकी एज है तो आप यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते हैं। चलिए मैं आपको प्रॉपर प्रोफाइल बता देती हूँ कि यहाँ पर क्या क्या अवेलेबल है। और ये जो कि वैकेंसीज ली गई है, ये इसके ऑफिशियल प्लेटफॉर्म से, मतलब टाटा मोटर्स का जो करियर पेज है वहीं से ये वैकेंसीज आई हुई है। तो वहाँ से आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो, ये जो कि ऑफिशियल करियर पेज है, यहाँ पर आप सारे ओपनिंग्स देख सकते हो। जैसे कि यहाँ पर सप्लाई प्लानिंग, सीनियर मैनेजर FMQ, यहाँ पर काफ़ी सारे वैकेंसीज अवेलेबल है। नाउ यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर रिजल्ट 231 पेजेस अवेलेबल है। एंड जो भी प्रोफाइल आपको अप्लाई करना है, वन बाय वन आप गो थ्रू करिए एंड देन आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि आप ये देख सकते हो, एग्जीक्यूटिव क्वालिटी एश्योरेंस, यहाँ पर आपको क्लिक करना है जो भी प्रोफाइल पे आप अप्लाई करना चाहते हो। उसके बाद क्लिक करते ही आपको ये सारे डिटेल्स दिखेंगे जो इसकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। जैसे कि ये मैंने चूज़ किया है एग्जीक्यूटिव क्वालिटी एश्योरेंस का। यहाँ पर पोजिशन समरी आपको दिया गया है, वर्क एक्सपीरियंस क्या चाहिए होगा, फिक्स्ड असेट, यहाँ पर आपको जो कंपनीज के लिए जो भी रिक्वायरमेंट है वो आप देख सकते हो। ये तो होगी फर्स्ट प्रोफाइल। इसके अलावा आप और भी कोई प्रोफाइल पे, जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पर सीनियर मैनेजर का यहाँ पर वैकेंसीज अवेलेबल है, इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर भी आपको रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज देखने के लिए मिलेगी। सो इसी तरीके से आप वन बाय वन सारे ही प्रोफाइल पे गो थ्रू कर सकते हैं। जहाँ पर भी आप एलिजिबल होते हैं वहाँ पर आपको अप्लाई नाउ का ऑप्शन दिखता है, आपको इस पर क्लिक कर लेना है। यहाँ पर क्लिक करते ही इस तरीके का कुछ पेज ओपन होकर के आ जाएगा। नाउ देखिए, ये जो कि टाटा मोटर्स का करियर पेज है, यहाँ पर आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्टर करने के लिए यहाँ पर क्रिएट एन अकाउंट का ऑप्शन दिया गया है, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करते ही सबसे पहले आपको आपका ईमेल आईडी एंटर करना है। ईमेल आईडी एंटर करने के बाद ये सेम ईमेल आईडी को यहाँ पर रीटाइप करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको पासवर्ड सेट करना है अपना। पासवर्ड कैसा होना चाहिए, देखिए यहाँ पर आपको स्टेप दिया गया है, मिनिमम 8 कैरेक्टर्स का होना चाहिए। इसके बाद इसमें जो कि है अपर केस, लोअर केस, इसी के साथ कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स यहाँ पर आपको यूज करके नंबर्स यूज करना है। एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यहाँ पर आपको क्रिएट करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर आपको कुछ क्रिएट करके दिखाती हूँ। जैसे कि यहाँ पर पहले मैं आपको कर देती हूँ हाइड एंड शो। यहाँ पर देखिए एक अपर केस हो गया, विच मीन्स कि कैपिटल लेटर। इसमें आपको ऐड करना है कोई स्मॉल लेटर, जैसे कि ये मैंने स्मॉल लेटर ऐड कर दिया। इसमें कुछ नंबर आपको एंटर करने होंगे, जैसे कि मैंने ये ऐड कर लिया। इसके बाद कुछ स्पेशल कैरेक्टर, जैसे कि @ #, इस तरीके से कुछ स्पेशल कैरेक्टर आपको ऐड करना होगा। और ये जो कि है 8 कैरेक्टर्स का होना चाहिए। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर देखिए 1 कैरेक्टर ज़्यादा है। तो इस तरीके से आपको जो कि अपना पासवर्ड सेट करना होगा। देखिए पासवर्ड वेरीफाई हो गया एंड एक्सेप्ट हो रहा है। नो ये सेम पासवर्ड आपको यहाँ पर रीटाइप करना होगा। आप चाहो तो यही कॉपी पेस्ट कर सकते हो या फिर अगेन इसको एंटर करना है आपको यहाँ पर। इसके बाद फर्स्ट नेम आपको अपना पुट करना है, लास्ट नेम पुट करना है। नाउ कंट्री यहाँ पर आपको सिलेक्ट करनी है। देखिए काफ़ी सारी कंट्रीज आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल रहे हैं, तो आप अपनी कंट्री यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। आई हियर दी टर्म्स एंड कंडीशन करके यहाँ पर आपको क्लिक करना है। और ये देखिए जो लिंक दिख रहा है, इस पर भी आपको क्लिक करना होगा। इस पर क्लिक करना और उसके बाद एक एक्सेप्ट का ऑप्शन आएगा, वो चीज़ें आपको रीड करके एक्सेप्ट करनी है।
और रीड करने के बाद यहाँ पर इसको करना है क्रिएट एन अकाउंट। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपका अकाउंट जो कि क्रिएट हो जाएगा, उसके बाद आपको करना होगा साइन इन। साइन इन करते ही आपका ईमेल आईडी जो अभी आपने यूज़ किया है वो आपको एंटर करना होगा एंड पासवर्ड जो आपने अभी यहाँ पर सेट किया है वही पासवर्ड एंटर करते हुए यहाँ पर आपको लॉग इन करना होगा। तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पर अपना जो कि पेज बना लिया है, तो यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पर लॉग इन कर लेती हूँ। लॉग इन करने के बाद यहाँ पर आपको कुछ डिटेल्स एंटर करने होंगे, जैसे कि अपलोड योर रेज्यूम। तो रेज्यूम जो अभी करेंटली आपके पास अवेलेबल है वो अपलोड करना है, और जिस प्रोफाइल के लिए आप यहाँ पर अप्लाई करना चाहते हो उस प्रोफाइल में क्या क्या मैंडेटरी स्किल है वो अपने रेज्यूम में ज़रूर से अपडेट करना। उसके बाद यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। डॉक्यूमेंट्स आप यहां पर ऐड कर सकते हैं कुछ आपके पास अवेलेबल है। इसके बाद प्रोफाइल इंफॉर्मेशन आपको एंटर करना है। यहां पर आप देख सकते हैं सबसे पहले आपका फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, सिटी यहां पर आपको सिलेक्ट करना है, करंट टाइटल जहां पर अगर आप कहीं पर वर्क कर रहे हैं तो वो आपको यहां पर सिलेक्ट करना है, करंट ऑर्गेनाइजेशन यहां पर आपको पुट करना है। अगर आप एक फ्रेशर रहेंगे तो आपको ये सारे ऑप्शनल है, आप स्किप कर सकते हैं। अल्टरनेटिव कॉन्टैक्ट नंबर यहां पर आपको एंटर करना है, सीटीसी अगर आप कहीं पर वर्क कर रहे हैं तो क्या वहां पर सीटीसी आपकी, नोटिस पीरियड यहाँ पर आपको एंटर करना है, मोबाइल नंबर, टोटल एक्सपीरियंस, डेट ऑफ बर्थ एंड जेंडर यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। ये हो जाने के बाद सेकंड स्टेप आ जाएगा आपका प्रीवियस वर्क एक्सपीरियंस। अगर आप फ्रेशर है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं, बट अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो यहाँ पर आपको ऐड कर देना है यहाँ से। इसके बाद एजुकेशन आपको ऐड करना है। एजुकेशन में आपका सर्टिफिकेट, 12th पास सर्टिफिकेट, 10th पास सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट जो भी आपके पास है वो आपको एंटर कर देना है। जॉब स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन एंटर कर सकते हैं एंड उसके बाद आपको कर देना है सेव। अप्लाई करके सेव कर दीजिए, देन ये आपका जो की है प्रोफाइल रेडी हो जाएगा। डायरेक्टली आप कोई भी प्रोफाइल के लिए यहां पर अप्लाई करना चाहते हैं तो इसी के थ्रू आपका जो की प्रोफाइल अप्लाई हो जाएगा। बस यही स्टेप है यहां पर अप्लाई करने का। कोई भी इन्वेस्टमेंट, कोई भी फीस आपको नहीं पे करना है। जो स्टेप्स मैंने आपको दिखाई है उसको फॉलो करिए, यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट करके जरूर से पूछिए। जो आपका इंटरव्यू प्रोसेस रहने वाला है, जैसे कि मैंने आपको बताया, ऑनलाइन अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो ऑनलाइन होगा, या फिर ऑफलाइन जो कि इसका लोकेशन होगा वहां पर जाके आप दे सकते हैं। यही प्रोसेस रहेगा। अपने फ्रेंड्स से, फैमिली मेंबर्स के साथ भी इस वीडियो को जरूर से शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए मैं आपसे मिलती हूँ मेरे अगले वीडियो में, तब तक लिए टेक केयर एंड बाय बाय।